तुमने तुम्हारे दोस्त का जिक्र किया था, कहाँ है, मिलवाओगी नहीं उससे? वो बाहर होता है, कभी कभी चक्कर लगाता है। एक दिन हम चारों मिलकर खाना खाने जाएंगे, हो सकता है जुनेद से दोस्ती हो जाए। परेशान ना हो, मैं मिलवा दूंगी तुम्हें उससे। हो सकता है, मैं जानती हूँ उसे। दुनिया बहुत छोटी है, तुम अभी तक ठीक तरह मिले भी नहीं हो ना उससे। जल्दी सब कोमल से मिलने की बात कहाँ से आ गई है? यानी कोमल तुम्हारी दोस्त है और हमारी पड़ोसन है, मैं उसे मिला ही कितनी बार हूँ जो उसके बारे में कुछ कहूँ। लेकिन अब उसके बाबा सरमायाकार बन रहे हैं तो मुलाकात तो होती रहेगी रोज। मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुजरते वक्त के साथ दुआन जुनेद के खिलाफ हो जाएगा, देख लेना तुम। मेरा नाम पूरी जिंदगी याद रखेगा ये जुनेद। वैसे आपा, आपकी जितनी तारीफ की जाए सच में वो कम होगी, कितनी आसानी से संभाल लिया सब कुछ। ये सब तो मेरे अल्फाजों का कमाल है क्योंकि मैं आलिया हूँ। कल सबके सामने ये इल्तिज़ा कर रवैया बहुत अजीब सा था, क्या उसको जुनेद और कोमल का पता चल गया है? दुआन साहब, ये नामुमकिन है, जान लेती तो इत्मीनान से ना होती। वैसे मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मुझे कल कुछ शक हुआ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो हम सबसे ज्यादा होशियार हो और शायद हमारे सामने अनजान बन रही हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुमकिन है वो घात लगाए बैठी हो और सिर्फ एक ही वार करे, कैसे नहीं हो सकता? अपनी अकलमंदी का अंदाजा लगाने के लिए तुम्हें मुझसे उलझने की जरूरत नहीं। तुम मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो तो मैं भी तुम्हारे लिए मसला नहीं बनूंगा। कोई किसी के तुम पर पैर नहीं रखेगा और यूं करने से हमारी पार्टनरशिप भी तरीके से चलती रहेगी। आली,